बराबरी का योगदान चाहते हैं उनको बराबरी में लाना पड़ेगा उनको सक्षम करना पड़ेगा उनको प्रबोधन देना पड़ेगा उनको सशक्त बनाना पड़ेगा कर्तृत्व उनमें है उनको बाकी मदद करने की जरूरत उन, उन पर हमने जो दरवाज़ा बंद किया है वो खोलना पड़ेगा वो भारतीय महिला है वो बिना घर परिवार की जिम्मेवारी छोड़े सब करेगी लेकिन घर परिवार की जिम्मेवारी में उसको कुछ राहत चाहे उतनी स्वतंत्रता ये देनी चाहिए ना तो आज के परिस्थिति में ये जो हमारा एक स्थायी मूल्य है परिवार का उस परिवार में महिला का स्थान माता का है वो सृजनशीलता उसकी है और वो शक्ति है यानी वो प्रतिभा भी देती है और वो पूरी ताकत भी देती है ये उसके स्थान को पहचान कर उसको देवी बनाकर पूजा घर में बन मत रखो और दासी बनाकर आखिरी खोली में बन मत रखो आगे कमरे में उसको भी बराबरी से करने दो जिम्मेवारी लेने दो उसके लिए उसको सशक्त करो उसको पढ़ाओ उसको आर्थिक दृष्टि से चाहे तो वो पूर्ण हो सके ऐसी उसको कला दो वैसे उसके अवसर दो ये सब करना पड़ेगा उस दिशा में थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो ये हम करेंगे तो वो बराबरी से अपना सहभाग सहयोग करेगी और वो बराबरी से करेगी यानी हमारे जो उसमें योगदान होंगे पुरुषों के उसको वो सहज रूप से उस भार को वो बहुत हल्का बनाएंगे क्योंकि उनके ऐसा करने से भी हमारे इस इसमें एक शक्ति का नया संचार होगा तो हमारे काम और आसान हो जाएंगे तो इसलिए वो बराबरी का सहभाग और बराबरी की तैयारी महिलाओं की ये महिलाओं के बारे में विचार में अपना स्थाई आधार होना चाहिए